अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंग्लिश लेक्चर 3 आज हमारा है, और आपको याद होगा हम इंग्लिश 1 का जो चैप्टर 1 है उसकी हम रीडिंग कर रहे हैं, वर्ड्स मीनिंग सॉर्ट आउट कर रहे हैं और साथ उसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रांसलेशन है ये आपके एग्जाम्स में 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो सेट होगा। तो लास्ट जो लेक्चर हमारा सेकंड लेक्चर था उसमें हमने 6 पैराग्राफ जो थे वो ट्रांसलेट कर लिए थे, उनके मीनिंग सॉर्ट आउट कर लिए थे। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने उनको लर्न किया होगा। कुछ बच्चों ने मुझे असाइनमेंट्स भेजी हैं और मैं सब डिस्कस किया इस हवाले से, मैंने उनको गाइड किया और नोट्स का भी कुछ बच्चे कह रहे थे, तो नोट्स के सेट जो है वो आपके बन चुके हैं, आप स्कूल से ले सकते हैं डिफरेंट टाइम्स में आकर। 9 to 1 o'clock स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद होती है। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा पैराग्राफ 7 है, जिसकी हमने ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग और रीडिंग करनी है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी पेज नंबर 4 से बुक्स खोल लें, इंग्लिश 1 की आज हम वो करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लें। रीडिंग पैराग्राफ 7 चैप्टर 1। While Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was on his deathbed, he proclaimed, "If I owed something to anyone, or if I wronged any person, or damaged anyone's property or honor, my person, my honor, and my property are here. He may take revenge from me in this world." There was complete silence. Only one person demanded a few dirhams, which were paid to him. Meaning note करेंगे। While Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was on his deathbed, deathbed का मतलब होता है बिस्तरे रहलत, यानी जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिसाल करीब था, उस सिचुएशन में हम वर्ड यूज कर रहे हैं deathbed। प्रोक्लेम का मतलब होता है ऐलान करना। इफ आई ओड समथिंग टू एनीवन, ओ का मतलब होता है मकरूज होना, किसी चीज का वाजिबुल अदा होना। एनी पर्सन फॉर और डैमेज कहते हैं नुकसान पहुंचाना। एनीवन्स प्रॉपर्टी जायदाद और ऑनर इज्जत। माय पर्सन, यहां पर माय पर्सन, वैसे पर्सन हम फर्द को कहते हैं, यहां पर माय पर्सन का मतलब मेरी जात है, माय पर्सन मेरी जात मतलब मैं खुद। माय ऑनर, मेरी नामूस कहते हैं इज्जत को, ठीक है। अगर आप नामूस लिखना चाहें तो नामूस, एंड माय प्रॉपर्टी और मेरी जायदाद आर हियर, यहां मौजूद है। He may take revenge. Revenge होता है बदला लेना, revenge from me in this world, इस दुनिया में। There was complete silence. Complete मुकम्मल silence means खामोशी। Only one person demanded का मतलब तकाजा करना, डिमांड करना, तलब करना। A few dirhams उस टाइम की जो करेंसी थी उसको dirham कहते हैं, which were paid to him। यहां पर देखें आप, only a few person demanded a few dirhams। ये टेंस कौन सा है? पास्ट डेफिनिट टेंस। कैसे पता चला? क्योंकि जो डिमांड वर्ब है उसमें हमने ईडी लगाया तो वो बन गया पास्ट डेफिनिट टेंस। विच वर पेड टू हिम, अब देखिए यहां पर वर्ब है
देखा उसकी वजह से प्लूरल एडजेक्टिव तो वर लगा विच वर पेड टू हिम अदा कर दिए गए, तो ये कौन सा टेंस बनेगा? वर्ड के साथ हम लगा रहे हैं थर्ड फॉर्म, तो आपको पता है कि यहाँ हकीम वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आती है, बाज बार इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो पैसिव वॉइस सेंटेंस होते हैं। अगर इज एम आर के साथ आ जाए थर्ड फॉर्म तो वो प्रेजेंट के पैसिव वॉइस होते हैं, और अगर बाज बार के साथ आ जाए तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस होते हैं। तो ये पैसिव वॉइस का फिक्र हो गया साथ, ये इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत रिकॉल करता रहता हूँ। मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि नरेशन करते हुए जो आपके टेंस की तब्दीली होती है उस वक्त तक आप नहीं कर सकते जब तक आपकी टेंस पर ग्रिप नहीं होगी। तो भूलना नहीं है, इन चीजों को याद करते रहना है, रिवाइज करते रहना है, और डेली 20 मिनट्स एटलीस्ट आपने ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब हम अपने नरेशन और ग्रामर की बाकी चीजें स्टार्ट करें तो आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने टेंस को बदल सकें और चेंज कर सकें अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द ग्रामर। अच्छा, यहाँ पर मीनिंग्स आपको क्लियर हो गए। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारी इसकी ट्रांसलेशन है, आपको गौर से सुने आप। व्हेन हजरत मोहम्मद वाज ऑन हिज डेथ बेड, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तरे रहलत पर थे, ही प्रोक्लेम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या ऐलान किया, इफ आई ओड समथिंग टू एनीवन, अगर मैंने किसी का कर्ज देना हो, और इफ आई रॉन्ग एनी पर्सन, जब मैंने किसी शख्स से ना इंसाफी की हो, और डैमेज एनी वंस प्रॉपर्टी, या किसी की दौलत या जायदाद को नुकसान पहुंचाया हो, और ऑनर या इज्जत को, माय पर्सन, मेरी जात, माय ऑनर, मेरी नामूस या इज्जत एंड माय प्रॉपर्टी, और मेरी जायदाद आर हियर जहां मौजूद, He may take revenge from me in this world. वो मुझसे इस दुनिया में बदला ले सकता है। There was complete silence. वहां मुकम्मल खामोशी थी। अब ये सिंपल एग्जाम्पल वाला सेंटेंस, वहां मुकम्मल खामोशी थी। There was, अच्छा एक और चीज, जब आपको किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं मिलता तो आप this, that, there, here वो खुद ऐड करते हैं और उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। There was complete silence, वहां मुकम्मल खामोशी थी। Only one person demanded a few dirhams, सिर्फ एक शख्स ने कुछ दिरहम का तकाजा किया, which were paid to him, जो उसे अदा कर दिए गए। तो ये पैराग्राफ नंबर 7 की आपकी ट्रांसलेशन मुकम्मल हो गई है। अब आप इसमें देखें, कोई डाउट अगर है या कोई प्रॉब्लम हो तो यू मे आस्क ऑन व्हाट्सएप माई पर्सनल नंबर। ओके, लास्ट पैराग्राफ आपका इंतहा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ में एक लाइन जो मुझे बहुत ही पसंद है, हम उसको पढ़ेंगे और उसको देखते हैं, पहले रीडिंग करेंगे एज यूजुअल। अल्लाह रसूल प्रूव बाय हिज ओन एग्जांपल दैट नो वन कुड बी मोर जस्ट फॉर जस्टिस देन हिम, इवन इफ It was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him. He decided every case brought to him by friend or foe with justice, without fear or favor. A person of such magnitude, this was the line, a person of such magnitude transcends the barriers of time and space. People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity. The Holy Quran clearly mentions this aspect of his life. Indeed, in the Rasul of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you have a good example to follow for him who hopes for Allah and the last day and remembers Allah much. Meanings note करें, Allah Rasool sallallahu alaihi wasallam proved साबित किया by his own example, अपनी मिसाल से, that no one, कोई शख्स भी, could be more firm for justice, के मौजू नहीं हो सकता, कोई भी शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मौजू, फर्म का मतलब ऐसे मजबूत और कवी होता है, ताकतवर, जहां पर हम मौजू के सेंस में भी इसको ले सकते हैं, कवी नहीं हो सकता, मौजू नहीं हो सकता
फॉर जस्टिस, इंसाफ के लिए, देन हिम, उनसे ज्यादा। इवन हत्ता के इट वॉज अगेंस्ट, अगेंस्ट मीन के खिलाफ, हिज ओन इंटरेस्ट, अपने मफाद, अपने मफाद और द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु वर नियर एंड डियर टू हिम, ही डिसाइडेड, फैसला किया, एवरी केस ब्रॉट, लाया गया, ये भी पैसिव वॉइस की फॉर्म में है, ब्रॉट टू हिम बाय फ्रेंड और फॉर विद जस्टिस विदाउट फियर और फेवर, हमारे के बगैर फियर ऑफ और फेवर हमारे। A person of such magnitude transcends the barriers of time and space. Barriers of time and space का मतलब होता है ज़मान और मकान, transcends अबूर कर जाना, transcends अबूर कर जाना। Barriers of time and space, ज़मान मकान। अब इसको जरा थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि अ पर्सन ऑफ सच मैग्नीट्यूड, होली प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात हो रही है कि इतना अजीम इंसान, जैसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत थी, इतना अजीम इंसान किसी जमानो मकान की पाबंदियों में नहीं रह सकता, बल्कि उनको अबूर कर जाता है। क्या मतलब हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात और जो किरदार की पुख्तगी है वो किसी मखसूस वक्त के लिए नहीं है, बल्कि ट्रांसेंड्स, अबूर कर जाती है बैरियर्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, ज़माना मकान की पाबंदियों को, कि उस दौर को देख लें 1400 साल के बाद का दौर देख लें और भले अगले 1400 साल उनका देख लें, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये किरदार जो है ये अपनी मिसाल आप रहेगा, इसका कोई पैरेलल नहीं। इसको एक छोटी सी और एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं कि ये सेंटेंस में राइटर क्या कहना चाह रहा है। पहले नबी वसल्लम की नबूवत से पहले जितने भी पैगंबर आए हैं वो एक मखसूस इलाके और एक मखसूस कौम के लिए होते, जबकि नबी वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप रहमतुल आलमीन हैं, तो मतलब क्या हुआ कि वो आलम जब नबी वसल्लम पैदा हुए, इसके बाद जितने भी आलम, जितने भी इंसान आएंगे क्यामत तक, सबके लिए आप रहमत बनकर आए हैं, और वो चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे चिरिंद हो, चाहे पिंद हो, हशरात अर्ज़ हो, सब के लिए आप रहमत बन कर आए हैं। तो इसलिए राइटर इस वर्ड को यूज कर रहा है, वो कहता है कि अ पर्सन ऑफ सच मैग्नीट्यूड, ऐसी अहमियत का हामिल शख्स, ट्रांसेंड्स द बैरियर्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, के ज़मानो मकान की जो कैद होती है उससे आजाद हो जाता है, कि एक आम इंसान की जिंदगी 60, 70 साल, 50 साल, 100 साल, 110 साल तो वो खत्म, जितना भी अजीम कोई इंसान हो उसके किए हुए कारनामे खत्म, नई चीजें आ जाती हैं। जिसने मोबाइल फोन पहले बनाया और आज का मोबाइल फोन देख लें, पहले वाले को लोग भूल गए, आज वाले को लोग अब यूज कर रहे हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं, वो चाहे कोई भी हो। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जब हम जायजा लेते हैं तो उनकी सीरत का कोई भी पहलू, उसमें एज अ मुअल्लिम ले लें, एज अ इंसान मुनसिफ ले लें, कोई भी उनका पहलू ले लें आप, तो वो ऐसी शख्सियत है उनकी, ट्रांसेंड्स द बैरियर्स ऑफ टाइम, वो ज़मानो मकान की पाबंदियों के ताबे नहीं है, बल्कि आजाद है, आने वाली तमाम इंसानों के लिए रहमत है। ये है इस लाइन का मतलब। तो यहां इसको हमने क्लियर किया। आगे पीपल ऑफ ऑल एजेस, तमाम आदमियों का, उसी की एक्सप्लेनेशन समझे जो हमने अभी डिस्कस किया है। पीपल ऑफ ऑल एजेस कैन फाइंड समथिंग इन हिज लाइफ टू प्रोवाइड देम विद गाइडेंस इन द वेरियस फील्ड ऑफ एक्टिविटी। वेरियस फील्ड ऑफ एक्टिविटी का मतलब होता है जिंदगी के शोभाजार, ठीक है, गाइडेंस, रहनुमाई। द होली कुरान क्लियरली, वाजे तौर पर मेंशन दिस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, उनकी जिंदगी के एस्पेक्ट कहते हैं पहलू को, उनकी शख्सियत के इस पहलू को कुरान बड़ी वाजे अल्फाज में बयान करता है। इंडीड इन द रसूल ऑफ अल्लाह, यह कुरान के अल्फाज है, बिला शुबा यानी बगैर किसी शक के अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यू हैव अ गुड एग्जांपल टू फॉलो, आपके लिए पैरवी के लिए उदा मिसाल है, फॉर हिम उसके लिए, हु होप्स फॉर
अल्लाह जिस हु होप्स फॉर अल्लाह का मतलब ये होता है जिसको उम्मीद है कि उसने अल्लाह ताला से मिलना है, एंड द लास्ट डे और रोजे क़यामत पर भी ईमान रखता है, एंड रिमेंबर्स अल्लाह और अल्लाह को बहुत याद करता है। तो यहाँ आपके जो मीनिंग्स थे वो क्लियर हो गया, अब इसको हम बा मुहावरा तर्जुमा बनाकर देख लेते हैं। Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam proved by his own example that no one could be more firm for justice than him, even if it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him. Allah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam ne apni amli misal se ye sabit kiya ke un से ज्यादा कोई भी मुनसिफ मिजाज नहीं नहीं हो सकता, चाहे ये उनके अपने मफाद या उनकी किसी नियर एंड डियर करीबी रिश्तेदार या जिलो कार्य के खिलाफ ही क्यों ना हो। He decided every case brought to him by friend of him with justice without fear or favor. उन्होंने हर मुकदमे का फैसला जो उनके दोस्त या दुश्मन की तरफ से लाया गया बगैर किसी खौफ और हमायत के किया। A person of such magnitude transcends the barrier of time and space. ऐसी अहमियत का हामिल शख्स ज़माने मकान की पाबंदियों से आजाद हो जाता है या ज़माने मकान की पाबंदियों को अबूर कर जाता है। People of all ages, तमाम अदवार के लोग, people of all ages, तमाम अदवार के लोग can find something in his life, उनकी जिंदगी से कुछ ना कुछ ले सकते हैं, to provide them with guidance, रहनुमाई के लिए, तमाम अदवार के लोग रहनुमाई के लिए उनकी जिंदगी की सरगर्मियों के मुख्तलिफ शोबाजात के लिए उनकी जिंदगी से कुछ ना कुछ रहनुमाई ले सकते हैं। The Holy Quran clearly mentions this aspect of his life. कुरान पाक उनकी जिंदगी के इस पहलू को शानदार तरीके से बयान करता है। Indeed, in the Rasul of Allah, बिला शुबा अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यू हैव अ गुड एग्जांपल टू फॉलो, पैरवी के लिए आपके पास एक अच्छी मिसाल है। हु होप फॉर द मीटिंग, बोला जिसको इस बात का यकीन है कि वो अल्लाह ताला से मुलाकात करेगा एट द लास्ट डे रोजे क़यामत, एंड रिमेंबर्स अल्लाह और अल्लाह को बहुत याद करता है। ये आपकी लास्ट पैराग्राफ की ट्रांसलेशन है, इसकी इब्तदाई कुछ लाइंस ट्रांसेंड्स द बैरियर ऑफ टाइम एंड स्पेस वाली लाइन इंक्लूड करके, ये हाई इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। और हमारे चैप्टर वन की जो ट्रांसलेशन के ये पैराग्राफ थे वो हमने यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ मीनिंग्स हमने किए, रीडिंग की मीनिंग्स किए और ट्रांसलेशन की। अब ये आपकी एक असाइनमेंट है कि आपने इसकी जो आज के लेक्चर की मैंने ट्रांसलेशन करवाई है ये आपने कंप्लीट लर्न करनी है, और साथ कोशिश करनी है अगर आपके पास टाइम हो तो प्रीवियस वन को भी आप करें, अंडरस्टैंड। अब हमारे पास जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है वो है आपका एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है यहाँ पर, और एक्सरसाइज में सबसे पहले आपके पास आता है ग्लॉसरी। ग्लॉसरी में आप मीनिंग करते हैं, उर्दू मीनिंग्स भी मैं एक दफा फिर आपको दोबारा बोलता जाऊंगा, और जो इसके इंग्लिश मीनिंग्स हैं वो भी मैं आपको थोड़ा डिफाइन करता जाऊंगा। आप कोशिश करें कि एक्सरसाइज के लिए मीनिंग्स जो है वो नोट करेंगे। इंसेस्टर्स कहते हैं अबाव अजदाद को, जो दरमियान में इसकी स्पेस है उस पर आप नोट कर लें। इंसेस्टर्स कहते हैं अबाव अजदाद को, और इंग्लिश में अगर हम देखें तो इसका मतलब बनता है डिस्टिंक्ट रिलेशनशिप। डिस्टिंक्ट रिलेशंस डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं मुफलिस को, और इसको आप इंग्लिश में लिखेंगे मनी और पोजेशन। विदाउट मनी और पोजेशन आगे है फर्म, ये होता है पुख्ता डेफिनेट,
डेफिनेट। द नेक्स्ट वन जो आपका वर्ड है वो है फो। फो कहते हैं उर्दू में दुश्मन को, और इंग्लिश में इसके लिए आप एनिमी, डेफिनेटली एनिमी का वर्ड यूज करेंगे। आगे है इंटरसील, वकालत करना, मुदाखलत करना, दोनों मायनों में ये उर्दू में आता है वकालत करना, तो इंग्लिश में आप इसका मीनिंग करेंगे स्पीक, टू स्पीक इन स्पोर्ट। नेक्स्ट जो वर्ड है आपका वो है मैग्नीट्यूड, अहमियत जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश में आप इसके लिए करेंगे इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट है ओ, तो इसको कहते हैं मकरूज होना, वाजिबुल अदा होना, तो यहां पर आप करेंगे टू पे सम मनी, जिसमें कुछ कर्ज अदा करना हो। उसके बाद आपका है रिवेंज, इसका उर्दू में मतलब होता है बदला लेना, टू हर्ट और पनिश, पनिश समवन हु हर्ट्स यू, कोई ऐसा शख्स जो आपको हर्ट करता है या पनिश करता है, उसको कोई ऐसा शख्स जो आपको हर्ट करता है या पनिश करता है उसको आप हर्ट या पनिश करें, रिवेंज बदला लेना। और आगे होता है सीक, लेना, हासिल करना, तो इसका मीनिंग आप लिखेंगे टू गेट, ये आपके मीनिंग हो गए। उसके बाद जो आपका ये ग्लॉसरी था, अब नीचे अगर आप पेज 5 पर देखें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है आपका वोकैबुलरी, वोकैबुलरी वर्ड। इस वोकैबुलरी पार्ट में गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज इन द लेसन, तो ऑलमोस्ट बहुत सारे ये वर्ड्स जो हैं कि मीनिंग्स हमने पहले भी कर ली हैं, मैं एक बार फिर रिपीट कर लेता हूं, वी हैव टू राइट द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स इन उर्दू, ओके, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वोकैबुलरी। तो मॉडल का मतलब हमने किया जो वो था अमली नमूना, इसी तरह पाइटी कहते हैं तकवा को, फिर आ गया जर्नल अब्दी, अर्न कमाना हासिल करना, सरमन का मतलब होता है खुतबा, रिवेंज बदले को कहते हैं, कमांडमेंट्स खुदाई अहकामात अल्लाह ताला के जो अहकामात होते हैं उनको कहते हैं, अप हेल्ड बरकरार रखना, और डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं मुफलिस को, प्रोक्लेम का मतलब होता है ऐलान करना, वैसे समटाइम्स इसको दावा करना की जगह पर भी आता है, ठीक है, यहां पर हम ऐलान करना के सेंस में लेंगे, और ट्रांसेंस का मतलब होता है गुजर जाना, पार कर जाना। तो ये वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी के पार्ट ए के ये वर्ड्स थे जो आपको मीनिंग्स की सेंस में आपने करने हैं, और वो मीनिंग्स उर्दू में आप करेंगे, बाकी इंग्लिश में भी हो सकते हैं, लेकिन इट्स क्वाइट बेटर कि आपका पैटर्न, क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, तो उस मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से उर्दू में हम इसको लर्न करते हैं। आगे जो आपका डी पार्ट है, डी पार्ट में आप देखें चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, सिनोनिम्स कहते हैं सिमिलर मीनिंग्स वाले वर्ड्स, क्लियर हो गया, तो यहां पर हम जो सूटेबल वर्ड्स होंगे उनको करेंगे। इस पार्ट के ऊपर आप इंपॉर्टेंट लिखने, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज की फॉर्म में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वन में सेट होते हैं जो वर्ड्स, जिनमें आपने चॉइस वाइज उसको पिक करना होता है।
तो यहाँ पर एक्विटेबल का मतलब आप बेस्ट पॉसिबल आंसर देखकर लगाना है हमने कि, तो आप एक्विटेबल का मतलब यहाँ पर लगाएंगे फेयर, फेयर को करेंगे ज्यादा। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड है इंसेस्टर्स, तो ये होता है फोर फादर्स अबाउट, यानी फोर कहते हैं रिलेटिव को तो नहीं कहते ना, तो अभी हमने इसका मीनिंग भी किया है, और ना ही हम फ्रेंड को कहेंगे, तो डेफिनेटली एनिमी को कहेंगे। ठीक हो गया। द नेक्स्ट वन इज फर्म, परसिस्टेंट, पक्का और ग्लोरियस। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो है ग्लोरियस, शानदार जो उसको कहते हैं, तो यहाँ पर बी वाली ऑप्शन जो है आपकी वो रहेगी, ठीक, जिसको आप स्प्लेंडेड करेंगे, आपका जो ऑप्शन है वो स्प्लेंडेड होगा। जो आपका नेक्स्ट सी पार्ट है, सी पार्ट जो आपका है, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब एंड यूज दीज फ्रेजल वर्ब इन सेंटेंसेस। ये जो सेंटेंसेस हैं ये आपके जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए वी कैन डू इट। और ये वाला पार्ट जो है मैंने आपका जो आपकी नोट्स हैं उसके अंदर कर भी दिया है, आप उसको वहां पर देख सकते हैं। जैसे ये गिल्टी ऑफ का वर्ड है, तो गिल्टी ऑफ का अगर हम सेंटेंस बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, गिल्टी ऑफ किसे कहते हैं, मुजरिम खताकार को गिल्टी ऑफ कहते हैं। तो अगर हम चैप्टर में से वर्ड लें तो हम कह सकते हैं वंस अ क्रैश वुमेन वाज फाउंड ऑफ फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट, कि वो चोरी की मुजरिम पाई गई। इसी तरह बिलोंग्स टू का अगर हम बनाना चाहें तो फातिमा belongs to a rich family, या अली belongs to a rich family, या असलम belongs to a rich family, कोई भी अपनी choice से उस sentence को बना सकता है। C part हो गया। उसके बाद exchange for के बदले में he demanded my television in exchange for his camera, कि अपने कैमरे के बदले में उसने मुझसे क्या डिमांड किया, मेरा टेलीविजन डिमांड किया। In accordance with, ठीक है, the every question of this question paper was in accordance with our syllabus। तो ये इस तरह आप खुद से प्रैक्टिस करके सेंटेंस बना सकते हैं। हमारा सी पार्ट कंप्लीट हो गया। सी पार्ट के बाद हमारा जो डी पार्ट उसमें है, उसमें पहला क्वेश्चन बनता है ट्रांसलेट पैराग्राफ वन ऑफ द लेसन इन टू उर्दू। तो डेफिनेटली हमने तो आठ पैराग्राफ जो थे वो सारे ट्रांसलेट किए हैं, तो एज अ प्रैक्टिस अगर आप पहले पैराग्राफ को दोबारा करना चाहें तो कर सकते। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। हमने चैप्टर वन की जो ट्रांसलेशन थी वो एक पैराग्राफ की कंप्लीट कर ली है। इसके बाद जो एक्सरसाइज के पार्ट डी तक जो हमने उसको किया है, अब आपकी जो डायरी बनती है लेसन थ्री की, आपके लेक्चर थ्री की जो डायरी है वो मैं नोट करवा रहा हूँ, आप उसको नोट करें और फिर उसको तैयार करें। जी ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने डायरी जो आपको दी है चैप्टर वन की ट्रांसलेशन है, ये आपने लर्न करनी है सारी, और प्रैक्टिस के लिए सिर्फ पहले दो पैराग्राफ जो है वो आपने आरपी करनी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।